नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सुहागिन महिलाओं के प्रमुख त्योहारों में से एक हरियाली तीज का व्रत इस साल दिन बुधवार को रखा जाएगा। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु की कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत रखेंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। महिलाएं हरियाली तीज व्रत को निर्जला रखती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। इससे भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का, संतान प्राप्ति का और पति के निरोगी होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हरियाली तीज व्रत को श्रावणी तीज भी कहते हैं, क्योंकि हरियाली तीज सावन के महीने में पड़ती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी, जो इस प्रकार है। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अघोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधे तपस्या को देखकर बड़ी दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने की जरूरत ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और तुम्हारे पिता भी वहाँ तुम्हें खोज नहीं पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर तुम्हारे पिता ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण मास के
तृतीया के दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच गया और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समझ पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंच गए और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर तुम्हारे पिता अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था, मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव से करेंगे। तब तुम्हारे पिता मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह कर दिया। तो हे पार्वती, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व तो यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुआरियों को मन वांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हरियाली तीज की पूजा विधि। तीज के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करती हैं। साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन बालू के भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है और एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग रिद्धि सिद्धि सहित गणेश पार्वती एवं उनकी सहेली की प्रतिमा बनाई जाती है। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का आह्वान करें। माता पार्वती शिव जी और उनके साथ गणेश जी की पूजा करें। शिव जी को वस्त्र अर्पित करें और हरियाली तीज की कथा सुनें। ध्यान रहे कि प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहें और पूजा करते रहें। पूजन पाठ के बाद महिलाएं रात पर भजन कीर्तन करती हैं और हर प्रहर को उनकी पूजा करते हुए बेलपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पण करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए। साथ में इन मंत्रों को बोलना चाहिए। जब माता पार्वती की पूजा कर रहे हों तब ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगद्धात्ये नमः, ओम शांति रूपेण्य नमः। और जब भगवान शिव की पूजा करें तो इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभुवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और कथा सुनती हैं। इस दिन अविवाहित युवतियां भी भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलाप के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस त्यौहार के बारे में मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए 107 जन्म लिए थे। 108वें जन्म में शक्ति ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसलिए मान्यता है
कि इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर पतियों को दीर्घ आयु और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। महादेव का पूजन करने से विवाहित स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।